कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी सभी के घरों में घुस जाती है। सब घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। उल्लू सेठ का घर भी बाढ़ में नहीं बच पाता, पर टूनी का कागज का घर बाढ़ में भी खड़ा रहता है। वो बाढ़ में तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। ये कहानी है कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब टूनी की। टूनी अपने पति टूना और बेटे कुको के साथ रामपुर के जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज के तरह तरह के खिलौने बनाकर गांव के बाहर बेचती थी। लो आ गए टूनी, कागज के खिलौने बेचने वाली टूनी, कागज की नैया, कागज का सिपहिया, कागज का घर, कागज का फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। टूनी, ये कागज का घर और नाव कितने की है? न कम न ज्यादा, सबका एक दाम 40-40 रुपया, कहो तो दे दो, ये घर दे दो। टूनी कागज के ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। चलो सारे खिलौने बिक गए, आज तो अच्छी कमाई हुई। एक दिन टूनी जब बाजार में खिलौने बेच रही थी, तभी टूनी के पति टूना के साथ दो पति पत्नी कबूतर और कबूतरी आते हैं। टूनी, ये दोनों तुमसे मिलना चाहते थे। देखिए टूनी, मेरा नाम रानी कबूतरी है, हमारा कागज के खिलौने का कारोबार है। हमने सुना है कि आपके जंगल में कई चिड़िया कागज के खिलौने बनाती है, इसीलिए हम आपके जंगल में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में जो भी चिड़िया प्रथम आएगी उसे हमारे तरफ से 10,000 का इनाम मिलेगा और उसके बनाए सब खिलौने हम खरीदेंगे। ये सुनकर टूनी बहुत खुश होती है और रानी कबूतरी से कहती है, पर इससे पैसे तो अच्छे मिलेंगे ना बहन? हाँ, पूरे महीने खिलौने बनाओगी तो समझो हर महीने 10,000 की कमाई हो जाएगी। टूनी के बगल में ही गोरी कवि भी कागज के खिलौने बेचती थी। 10,000 की बात सुनते ही गोरी का चेहरा खिल उठता है। ये 10,000 की कमाई तो अब गोरी की होगी, आखिर मेरे पति किस दिन कमाएगा। गोरी का पति कालू कौवा जंगल के जमींदार उल्लू सेठ का खास था और जंगल में वही होता था जो उल्लू सेठ चाहता था। इसीलिए गोरी कालू को सारी बात बताते हुए कहती है, देख लो कालू जी, जो हर महीने 1,000 की कमाई चाहिए तो मेरा साथ तो तेरा ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ गोरी? अरे मेरे नादान पति, जो इतना भी नहीं समझते, वो टूनी से बढ़िया खिलौना तो पूरे जंगल में कोई भी चिड़िया नहीं बना सकते। फिर वो टूनी प्रतियोगिता में भाग लेगी तो मेरा नंबर कैसे आएगा जी? तो ये बात है, तो उल्लू सेठ किसका महंगे हमारे, समझो टूनी तो रही है जितने से। कालू उल्लू सेठ को इस बारे में बताता है और कहता है, देख लो सर जी, ये तो तभी हो सकता है जब वो टूनी प्रतियोगिता में भाग ही ना ले। कालू, तू मेरा खास दोस्त है, समझ ले तेरा काम हो गया, वो टूनी अब प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी, चल मेरे साथ। ये कहकर उल्लू सेठ कालू और कुछ चिड़ियों के साथ बग्गी में बैठकर टूनी के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते सेठ जी। ए टूना, तेरी पत्नी कहाँ है, बुलाओ उसे। पर वो तो घर पर नहीं है सेठ जी। तो सुन, उसको समझा देना, कागज के खिलौने बनाने वाले प्रतियोगिता में भाग लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, घर जला दूंगा तुम्हारा और जंगल से बाहर फेंकवा दूंगा। अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा सेठ जी, यही होगा। टूनी हिम्मत और हौसला रखने वाली चिड़िया थी, इसीलिए जब टूना टूनी को इस बारे में बताता है तो वो सेठ से डरने के बजाय उसका विरोध करने पर आ जाती है। हम क्या सेठ का दिया खाते हैं जो उसकी धमकियों से डरे, मैं उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। हाँ मान जाओ टूनी, सेठ का कहर हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ हमारा। टूना टूनी को बार बार मना करता है, लेकिन फिर भी टूनी प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही लेती है और प्रथम आती है।
हमें आपके बनाए कागज के खिलौने बहुत पसंद आए टूनी, इसीलिए आप हमारे लिए खिलौने बनाएंगी। और ये रखो 10,000 का इनाम, बधाई हो। उल्लू सेठ को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खोल उठता है। ये टूनी हमारे मना करने पर भी नहीं मानी, अब बताता हूँ आखिर मैं क्या चीज हूँ। चलो रे बग्गी निकालो। इससे पहले कि सेठ का बग्गी टूना के घर पहुँच पाता, हरी तोता भागता हुआ टूनी के घर आता है। टूना टूना, जान बचानी है तो भाग जाओ, सेठ तुम्हारे पास बदला लेने आने ही वाला है। हम नहीं डरते सेठ से, हम नहीं भागने वाले। टूनी अब चुप कर और हरी तोता के घर चल, नहीं तो सेठ हम सबको मार डालेगा। हरी और टूना को समझाने पर टूनी उनके साथ जाने को मान जाती है। और तभी उल्लू सेठ वहाँ आ पहुँचता है। क्या भाग गया है टूना, ढूंढो उसे। लगता है सेठ जी हमारे आने से पहले ही कहीं भाग गया। अरे देख क्या रहे हो, आग लगा दो घर पे। उल्लू सेठ के कहने पर उसके वफादार टूना के घर में आग लगा देता है और टूनी के लौटने से पहले ही घर जलकर खाक हो जाता है। उन जालिमों ने घर को जलाकर राख कर दिया। अरे शुक्र है भगवान की, हम तो जिंदा है ना। टूनी अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम यही इसी जंगल में बस के दिखाएंगे। उस जालिम सेठ के सामने ही रहेंगे हम। हाँ, इस हादसे के बाद टूनी का परिवार जंगल के बाहर ही अपना घर बना लेते हैं। एक दिन टूनी खाना लेकर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे भूख का सताया बीमार चिड़िया मिल जाता है। अरे बाप रे, हे प्रभु, क्या हुआ आपको? भूखे हो? बोलो भाई, खाना चाहिए। हाँ। टूनी को उस पर दया आ जाती है और जैसे ही उसको खाना देने लगती है तब उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ती है। उसके दोनों पंख घाव से गल सड़ गए थे, वो खुद खाना खाने में लाचार था। ये देख टूनी कहती है, कितनी तकलीफ में है, खुद से खा नहीं सकता और कोई खिलाएगा नहीं तो भूख से तड़प कर मर जाएगा, क्या करूं? क्यों ना मैं अपने हाथों से खाना खिला दूं। हाँ, यही सोचकर टूनी उस बीमार चिड़िया को खाना खिलाने लगती है। और फिर जैसे ही टूनी उसे खाना खिलाती है तो वो चिड़िया एक सुंदर चिड़िया बन जाता है और टूनी से कहता है, मैं एक चमत्कारी कबूतर हूँ टूनी, और मैं तुम्हारे दुख तकलीफ से वाकिफ हूँ। मैं तो तुम्हारी दयालुता की परीक्षा लेना चाहता था, और मैंने समझा जो किसी बीमार और अधमरे से घृणा या नफरत के बिना उसे अपने हाथों से खाना खिलाने को तैयार हो, भला उसके हाथ ईश्वर के हाथ से कम कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कबूतर कहता है, सुनो टूनी, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में जादू होगा कि तुम अपने मन से जो भी सोचकर कागज को छुओगी वो कागज वैसा ही हो जाएगा। ये कहकर वो कबूतर गायब हो जाता है और टूनी खुशी से फूले नहीं समाती। टूनी इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठा करने में लग जाती है। टूनी, तुम इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो? इससे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर, कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में चल सकता है, और आंधी तूफान में उसके तो न जाने कितने टुकड़े होंगे। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर टूनी दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। टूनी के इतना कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। टूनी टूना से कहती है, अब आप इस घर में लगे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ही उखाड़ कर या फाड़ कर दिखा दो, फिर मैं मानूंगी। हाँ, टूनी के कहने पर टूना बहुत कोशिश करता है मगर कागज का जरा सा भी टुकड़ा उखाड़ या फाड़ नहीं पाता।
कमाल है, ये तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। पर ये जादू कैसे हुआ? टूना के पूछने पर टूनी सारी सच्चाई टूना को बता देती है। फिर जो भी उसके कागज के घर को देखता है वो हैरान रह जाते हैं। अरे देखो देखो, टूनी का कागज का बना घर तो कितना आलीशान है, इसके आगे तो बड़ा बड़ा घर भी फेल हो जाए। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी सभी के घरों में घुस जाती है। सब घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। उल्लू सेठ का घर भी बाढ़ में नहीं बच पाता, पर टूनी का कागज का घर बाढ़ में भी खड़ा रहता है। वो बाढ़ में तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। अरे जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हम सब बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। सर जी, इस पूरे जंगल में बस टूनी का कागज का घर ही है जो हमें बाढ़ से बचा सकता है। हाँ हाँ, जल्दी से वहाँ चलो। उल्लू सेठ जैसे तैसे करके टूनी के कागज के घर में पहुँचता है और टूनी से माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दो टूनी, हमें और हमारे परिवार को इस बाढ़ से बचा लो। आप सब अंदर आ जाइए सेठ जी। कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है, उसके साथ ही उल्लू सेठ का घमंड भी टूट जाता है। अगर हमारे जंगल में सबके पास ऐसे कागज के घर हो तो बाढ़ में सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्या तुम हम सब के लिए कागज का घर बना सकती हो? सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर टूनी और जंगल के सभी चिड़िया बहुत खुश होते हैं और फिर कागज के घर बनाने में टूनी की मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में सबके घर बन जाते हैं और फिर रामपुर कागज के घर वाला जंगल बन जाता है। रामपुर के जंगल में एक गरीब चिड़िया का परिवार रहता था, जहाँ टूनी चिड़िया, उसके दो छोटे भाई बहन और उसके माता पिता रहते थे। टूनी घर की सबसे बड़ी बेटी थी। टूनी के बाबा जूते पॉलिश करने का काम किया करते थे और उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती थी, इससे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन दोनों शाम को जब अपने काम से लौट रहे थे, तभी टूनी की माँ कहती है, सुनिए जी, हमारी टूनी बिटिया के जूते फट गए हैं, इस ठंड में वो नहीं चल पाएगा, उसके लिए एक जोड़ी जूते ले दीजिए, वो बहुत खुश होगी जूते देख कर। ठीक है, ले लो। फिर दोनों जूते खरीद कर घर की ओर चल देते हैं। उस रात बहुत बर्फबारी भी हो रही थी, चारों तरफ ठंड के कारण कोहरा मचा हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक दोनों को कुचल देता है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। बेचारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां उजड़ गई और तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब टूनी अपने पिता का काम करती है और उसी किराए के मकान में रहती है। एक दिन टूनी, अरे ओ टूनी, बाहर आ। जी सेठ जी, क्या बात है? तूने 2 महीने का किराया अभी तक नहीं दिया है, चुपचाप मेरे घर को खाली कर दो, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? सेठ जी, बस एक हफ्ते का और समय दे दीजिए। मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, चलो जाओ यहाँ से। कड़कड़ाती ठंड और साथ में बारिश भी हो रही थी। टूनी और उसके भाई बहन इस ठंड में बेघर हो गए। तभी उन्हें कुछ दूर जाने पर एक टूटा हुआ किसी चिड़िया का घर दिखा। लाडो, जब तक हमें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता, तब तक हम यहीं रहेंगे। फिर टूनी अपने काम पर चली जाती है। आइए आइए, जूते पॉलिश करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे जूते पॉलिश करती हूँ। मैडम आइए, जूते पॉलिश करवा लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब चिड़िया मुझे अपने गंदे पंख से छूने की? पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं हो, छी छी कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे, चलो हटो, जाने दो मुझे।
कौवी टूनी को धक्का मारकर चली जाती है। गिरने की वजह से टूनी के पंख पर चोट लग जाती है। एक तो इतनी कड़ाके की ठंड, बेचारी टूनी रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके दो भाई बहन भूख से तड़प रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे। दीदी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड तो इतनी लगी है कि भूख के कारण इस ठंड में मर ही जाऊंगा। कुकू, बस थोड़ी देर और, टूनी दीदी आती ही होगी, बस थोड़ा सा और सहले मेरे भाई। दीदी, मुझे बहुत ठंड लगी है, ऐसा लग रहा है मानो मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। लाडो ने जो मफलर पहना था उसे उतार कर अपने भाई को पहना देती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे वाह वाह वाह, उस घर से निकाला तो मेरे इस घर में अटक के, चलो जाओ यहाँ से, ये घर मेरा है, इसे मैं नया बनवाने वाला हूँ। लेकिन सेठ जी, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मुझे क्या, अब चलो हटो यहाँ से। ऐसा करके वो टूटा हुआ घर भी उनसे छीन जाता है। ठंड के कारण दोनों भाई बहन कांप रहे थे, उधर टूनी भी ठंड में कांप रही थी। हे ऊपर वाले, थोड़ा सा तो तरस खाओ, मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं, उनके लिए खाना लेकर जाना है। टूनी के आंखों से आंसू छलक उठे। तभी एक चिड़ा वहां आता है। क्या तुम मेरी ये चप्पल सिल दोगी? टूनी की आंखों में आशा की एक नई किरण नजर आती है। हाँ हाँ, मैं सिल दूंगी, लाइए। ये लो, जल्दी से सिल दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ हाँ, मैं जल्दी से सिल देती हूँ। फिर टूनी जल्दी से चप्पल सिल कर उसे दे देती है। वो चिड़ा भी उसे 30 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। उस 30 रुपए को देखकर टूनी के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो लाखों करोड़ों रुपये पा लेने जैसी थी। अब इन पैसों से मेरे दोनों भाई बहन के लिए कुछ खाने को ले लेती हूँ, वो दोनों सुबह से भूखे हैं। टूनी अपने भाई बहन के लिए खाना लेकर चली जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसके भाई बहन नहीं थे और उस घर में काम चल रहा था। टूनी उनको ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। उसके भाई बहन इस कड़कड़ाती ठंड में एक पेड़ के नीचे कांपते बैठे थे। लाडो कुकू, हमारा घर कहाँ गया? दीदी, वो कालो सेठ इसे अपना घर बताकर हमें फिर से उस घर से निकाल दिया। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? तू रो मत मेरे भाई, मैं हूँ ना तेरी दीदी अभी है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे सड़क पर नहीं रहने दूँगी। चलो पहले कुछ खा लो, तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। टूनी अपने भाई बहन को खाना देती है। तभी लाडो की नज़र टूनी के चोट पर पड़ती है। टूनी दीदी, आपको ये चोट कैसे लगी? दीदी, ये तो बहुत गहरी चोट है। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये तो बहुत छोटी चोट है, इसे छोड़ो। लाडो ये लो, तुम मेरे गर्म कपड़े पहन लो। नहीं दीदी, आपको भी तो ठंड लगी होगी। नहीं, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। टूनी ने अपने गर्म कपड़े लाडो को दे दी। ऐसे ही थोड़ी देर में रात हो गई और रात को ठंड और बढ़ गई। जहाँ सभी पक्षी अपने घरों में बंद हीटर जलाकर बैठे थे, वहीं तीनों भाई बहन बाहर ठंड का कहर झेल रहे थे। टूनी को रात भर नींद नहीं आई और वो रात भर सोचते रही। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने, इससे अच्छा तो हमें भी मार देता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। माँ बाबा को भी छीन लिया, एक टूटा फूटा घर था उसे भी तूने छीन लिया, और अब क्यों दर्द दे रहा है तू? सुबह होते ही टूनी अपने सोते हुए भाई बहन को छोड़कर निकल जाती है, इस आस में कि शायद वो अपने छोटे भाई बहन के लिए एक घर का इंतजाम कर लेगी। काकी, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कोई घर नहीं है, जो था उसे भी लोगों ने छीन लिया, कहीं कुछ रहने के लिए मिल सकता है क्या? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
मिल जाएगा, लेकिन किराया देना होगा। कितना किराया? 500 रुपए महीना। थोड़ा कम नहीं होगा? चल हट यहाँ से, खाने को तो पैसे नहीं है और किराया में कर लेगी। तुम लोग सड़क छाप हो और सड़क छाप ही मरोगे। टूनी कई पक्षी के आगे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उधर टूनी का भाई अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। कुकू आंखें खोल भाई, आंखें खोल। हे भगवान, मेरा भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। लाडो भागते हुए टूनी के पास जाती है और टूनी को सारी बातें बताती है। दीदी आप जल्दी चलिए दीदी, कहीं देर न हो जाए। टूनी भागते हुए अपने भाई के पास जाती है। तभी रास्ते में टूनी को एक जूता पड़ा हुआ दिखता है। टूनी के मन में पता नहीं क्या सोचता है, वह उस जूते को उठाकर अपने साथ ले आती है। कुकू उठना उठना मेरे भाई, देख मैं तेरी दीदी तेरे पास आ गई, उठना मेरे भाई। टूनी अपने भाई को उठाने लगी, पर कुकू का शरीर ठंड के मारे सुन्न पड़ गया था। उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था। टूनी और लाडो जोर जोर से रोने लगी। टूनी के आंसू उस जूते पर गिरती है और तभी वहां एक अजीब सी घटना घटी। वो जूता देखते ही देखते एक बड़े से जूता का घर बन गया और कुकू की आंखें भी खुल जाती है। दीदी देखो, कुकू ने आंखें खोल ली। हे भगवान, ये कैसे हुआ? ये जूता भी एक घर में बन गया। दीदी लगता है ये जादुई जूता है, इसी ने ही सब किया है। तभी उस जादुई जूते के घर से आवाज आती है। हाँ, मैं एक जादुई जूता हूँ, मेरे बच्चों टूनी मेरी बेटी। तभी उस जूते से टूनी के पिता की आत्मा निकल आती है। मेरे बच्चों, मैं पिता हूँ तुम्हारा। टूनी बेटी, तुझे कितना गुस्साना पड़ रहा है, मैं ये सब देखता था, लेकिन मैं मजबूर था बेटा। लेकिन आज जब तूने ये जूता उठाया तो मेरी आत्मा फिर से जाग उठी और मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने बच्चों को और दुख सहने नहीं दूंगा। बच्चों, अब से तुम्हारा घर यही है, अब तुम अपना जूतों का कारोबार शुरू करना। तुम्हें अब किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर उसके पिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से उस जादुई जूते ने अनाथ भाई बहन की जीवन बदल दी और जादुई जूते के मकान से मिले जूतों से टूनी ने अपने जूते का कारोबार शुरू किया।